शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में क्लीन चिट मिल गई और बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक हलकों तक खबरों का बाजार गर्म हो गया। हालांकि अब एनसीबी अपनी जांच के दौरान आर्यन के खुद ड्रग्स लेने की बात को स्वीकारने का हवाला देते हुए अपना पक्ष रख रही है, लेकिन जब अदालत ने ही बरी कर दिया हो तो किसी के पक्ष से क्या ही फर्क पड़ेगा। अब एजेंसी भले ही बोल रही हो कि उसने इस बात का जिक्र चार्जशीट में किया था कि आर्यन ने गांजा लेने की बात स्वीकार की थी, पर अब तो राजनेता भी इस केस की दुहाई देते हुए अपना दुखड़ा रो रहे हैं। झारखंड में खनन के ठेके को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मामले की जांच भी आर्यन खान के केस की तरह चाहते हैं। उन्होंने आर्यन खान केस का जिक्र करते हुए कहा कि वो भी मनगढ़ंत केस के शिकार हैं और बीजेपी बदले की भावना के साथ उन पर आरोप लगा रही है। आर्यन खान का जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि आर्यन की तरह वो मानते हैं कि उन्हें पूर्व नियोजित योजना के तहत फंसाया जा रहा है। आज देश में सेंट्रल एजेंसी की क्या स्थिति है सबको पता है। हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी ने उनके खिलाफ केस को लेकर ना तो साइट पर और ना ही सार्वजनिक तौर पर कोई बयान जारी किया है। ईडी राज्य के दो जिलों में मनरेगा के कथित घोटाले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि बिन उन जगहों का दौरा किए या फिर बिना संबंधित अधिकारियों से पूछताछ के ईडी जांच कैसे कर रही है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई की तरह बीजेपी मंदिर मस्जिद खोदने में दिलचस्पी ले रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला 14 साल पुराना है, मगर बीजेपी को तो 500 साल पुराने मामलों में दिलचस्पी है। खनन के ठेकों का जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से अब तक लोहे समेत प्रमुख खनिज पदार्थों की नीलामी नहीं की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 20 सालों में केंद्र ने राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया नहीं दिया है। सोरेन ने केंद्र पर दिसंबर 2021 से मार्च के बीच की अवधि में मनरेगा की तरह मिलने वाली राशि का भी भुगतान न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ हमारी छवि खराब करना चाहती है ताकि तथ्यों की अनदेखी की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।